हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट वॉलवॉक्स इट्स थैलस स्ट्रक्चर ओके इन द लास्ट वीडियो वी हैड फिनिश्ड आर प्रीवियस टॉपिक दैट वाज क्लैमिडोमोनास एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द वॉल इस वीडियो में हम इसका थैलस स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम उसका रिप्रोडक्शन uh, और उसके टाइप्स हम देखेंगे ओके सो वॉल्वॉक्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑर्डर वॉल्वोकेल्स फैमिली वॉलवो केसी ओके सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स स्ट्रक्चर वॉल्वॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गे एंड द कॉलोनीज आर ओवल टू स्फेरिकल इन शेप ईच विद फाइव हंड्रेड टू सिक्सटी थाउजेंड सेल्स सिमिलर टू क्लैमिडोमोनाज और uh, अगर हम देखें क्लामिडोमोनास और वॉलवॉक्स को सो दीज आर सिमिलर ऑर्गेनिजम्स ओके मैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन और उसके बाद एक लास्ट वीडियो वो भी अपलोड करूँगी जिसमें हम इन दोनों का इवोल्यूशनरी डिफरेंसिस देखेंगे क्योंकि मोस्टली हम ऐसा मानते हैं कि जो वॉलवॉक्स है और क्लेमिडोमोनास है वो साथ में ही इनका इवोल्यूशन हुआ है और ये बहुत कुछ बहुत जगह ही सिमिलर है इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज भी है बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं ओके सो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में लर्न करेंगे सो so फर्स्ट तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वॉलॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गे हमने क्लैमिडोमोनास देखा था वो सॉलिट्री एल्गे था इट मीन्स वो अकेला रहता था उसे किसी भी आ, उसको कोई ग्रुप में नहीं रहता है जो क्लाइमिडोमोनास होता है वो किसी भी ग्रुप में किसी भी कॉलोनी में नहीं सर्वाइव करता है वो अकेला रहता है ओके बट इज वॉल कॉलोनियल है वो कॉलोनीज में सर्वाइव करते हैं जो कॉलोनीज होती हैं वॉलॉक्स की वो ओवल टू स्फेरिकल शेप की होती है ओवल शेप हो सकती है स्फेरिकल शेप होती है ईच विथ फाइव टू सिक्स सेल्स मीन्स ईच सेल इज अ सिंगल वॉलवॉक्स तो 500 टू 60,000 सेल्स इतने वॉलवॉक्स मिलकर के एक कॉलोनी क्रिएट करते हैं सिमिलर टू तो क्लेमिडोमोनास की तरह ही सेल्स होते हैं ओके बट क्लेमिडोमोनास कॉलोनी में नहीं रहता था वॉलवॉक्स जो है वो कॉलोनियल एल्गे है वो कॉलोनी क्रिएट करके कॉलोनीज में सर्वाइव करते हैं ओके द सेल्स आर बायलेट एंड आर अरेन्ज इन सिंगल लेयर विद विद इन दैरिपेरी ऑफ द जिलेटिनस कॉलोनियल एनवेल अभी जो कॉलोनीज होती है उनके जो सेल्स होते हैं इट मीन्स जो कॉलोनी होती है वो पेरी फेरी जैसे की उनके चारों जो कॉलोनी के अराउंड जिलेटिनस कॉलोनियल एनवेलप होता है इट मीन्स एक जिलेटिनस मेम्रेन प्रेजेंट होती है लाइक like ये मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि ये एक कॉलोनी है सपोज दिस इज कॉलोनी सो ये जो जितने भी सेल्स होते हैं वॉलवॉक्स के वो इनके पेरिफेरी में एक सिंगल लेयर क्रिएट क्रिएट करके ही सर्वाइव करते लाइक दिस इज एनवेलप और इसके सराउंडिंग्स इस टाइप से ये एक कॉलोनी क्रिएट हो गई और इसी में ही फाइव हंड्रेड टू सिक्सटी थाउजेंड सेल्स हो गए तो ये एक कॉलोनी क्रिएट हो गई इट मीन बीच में एक कैविटी क्रिएट हो गई बीच में एक होल क्रिएट हो गया तो इस टाइप से होता है वॉलवॉक्स की जो कॉलोनी होती है उनमें पेरीफेरी ही ये सिंगल लेयर्ड ही सर्वाइव करते हैं कॉलोनी होती है इनकी अरेन्ज्ड होते हैं ये इनमें बीच में इट मीनस जो सेंट्रल पार्ट होता है उसमें ये नहीं होते हैं सेल्स क्रिएट नहीं होते इनका अरेंजमेंट कैसा होता है पेरीफेरी होता है टू द जिलेटिनस कॉलोनील एनवेलप ओके ईच सेल ऑफ द कॉलोनी हैज इट्स ओन जिलेटिनस शीट और हर एक सेल की कॉलोनी में उसकी खुद की भी ईच सेल मतलब हर एक सेल भी सराउंडेड होता है जिलेटिनस से और फिर सारे सेल्स के बाहर भी जिलेटिनस एनवेलप प्रेजेंट होता है okay? so है ओके सो नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट ऑफ द स्पीशीज एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड हेक्सागोनली बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ मैंने बताया साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ हर सेल के बेस पर होता है साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है और वो हर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ हर सेल के एडजस्टेंट सेल्स होते हैं मीनस आस पास के जो सेल्स हैं उनको कनेक्ट करके रखता है तो बहुत सारी कैल ये वॉल्वर्कस की जो स्पीशीज है उनमें जो एडजस्टेंट सेल्स होते हैं साइड सेल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हेग्जागॉनली हैग्जागोनली इट मीन्स हेग्जागॉन शेप में बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिविजन सेल डिविजन के टाइम पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स क्रिएट होते हैं फॉर्म होते हैं तो जो एडजेंट सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं हेक्सागोनली पैटर्न में ओके इन सम स्पीशीज साइटोप्लाज्मिक आर स्ट्रेंड्सेंट तो कुछ स्पीशीज में तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्मिक बट कुछ स्पीशीज में सम स्पीशीज में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स एबसेंट होते हैं ओके द सेंट्रल होलो कैविटी ऑफ द कॉलोनी अब जो सेंट्रल होलो कैविटी हुई क्योंकि ये सिर्फ पेरीफेरी अरेंजड होते पेरीफेरल अरेज्ड होते हैं सेल्स तो ये जो सेंट्रल पार्ट है वो तो होलो कॉलोनी कॉलोनी हुई ओके okay, ये होलो पार्ट दिख रहा है आपको

क्लाइमिडोमोनास स्ट्रक्चर और ये जो सेल्स होते हैं कॉलोनी में वो यू स्ट्रक्चर okay? और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक तरह से कैसा होता है क्लाइमिडोमोनास की तरह ही होता है इट मीन्स पियर शेप्ड बॉडी थी क्लाइमिडोमोनास की हमने देखा था उसका स्ट्रक्चर तो ये जो वॉलवॉक्स के सेल्स होते हैं वो भी टिपिकल क्लाइमिडोमोनास स्ट्रक्चर ही होता है क्लाइमिडोमोनास के जैसे सेल्स थे उसी टाइप का स्ट्रक्चर वॉलवॉक्स का भी होता है बट इन वॉलॉक्स ग्लॉबेटर एंड वॉल रोजलेटी ये दो स्पीशीज जो हैं वॉलॉक्स की दे हैव इट इज ऑफ स्फेरे टाइप सो स्पेरे इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एल्गा ओके ये भी एक एल्गेगा टाइप है तो मोस्टली सारे सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लेमिडोमोनास टाइप का होता है बट कुछ ये जो दो है दो स्पीशीज जो हमने मैंशन की है उनका वो कौन से टाइप की होती है स्पेरेला टाइप की होती हैं उनका स्ट्रक्चर स्फेरे टाइप होता है ओके नेक्स्ट पॉइंट द प्रोटोप्लास्ट इज एनक्लोज विद इन अ सेमीपर्मीएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटोप्लास्ट होता है किसका वॉल्वर्क सेल्स का वो जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो एनक्लोज किसके होता है सेमी सेमीपर्मीएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ओके नेक्स्ट पॉइंट है देर इज सिंगल न्यूक्लियस अ कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स टू फ्लैजिला एंड एन आई स्पॉट इन ईच सेल अब सेल का स्ट्रक्चर बताया तो सेल में सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है देन कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियोज में तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग टाइप्स के होते हैं कप शेप्ड होता है रेटिकुलेट होता है डिस्कॉइडल होता है तो इसमें वॉलवॉक्स में कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टू फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं और एक आई स्पॉट प्रेजेंट होता है ओके okay? सेल में द न्यूक्लियस इज कनेक्टेड विद द फ्लैजुला थ्रू द न्यूरोमोटर अपारेटर्स ऑफ द सेल अब जो न्यूक्लियस होता है वॉलवॉक्स सेल्स में वो कनेक्टेड होते हैं फ्लैजिला से किससे न्यूरोमोटर अपेरेटस ऑफ द सेल न्यूरोमोटर अपेरेटस जो होता है सेल का उससे कनेक्टेड होते हैं कौन न्यूक्लियस तो न्यूरोमोटर अपेरेटस फ्रेंड्स अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोज जिसमें मैंने क्लैमिडोमोनास का थैलोस्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है वो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दे एक बार आप उस वीडियो को देख लेना उसमें मैंने न्यूरो मोटर अपैरेटस को बहुत अच्छे से विद डायग्राम एक्सप्लेन किया है न्यूरो मोटर अपैरेटस एक तरह का नर्वस सिस्टम की तरह फंक्शन करता है ओके जो न्यूक्लियस और फ्लैजिला को कनेक्ट करके रखता है ओके देन नेक्स्ट आई स्पॉट इज टुवर्ड्स द एक्सटर्नल फेस ऑफ द सेल अब जो आई स्पॉट्स होते हैं वो एक्सटर्नल फेस जो होता है सेल का वहां लाइड uh, होते हैं वहाँ uh, होते हैं ओके okay? वहाँ प्लेस्ड होते हैं इट हैज़ अ कलरलेस बाई कॉन्वेक्स फोटो सेंसिटिव लेंस अभी जो आई स्पॉट होते हैं हम जानते हैं आई स्पॉट क्या होते हैं आई स्पॉट एक तरह से आइज की तरह फंक्शन करते हैं दीज आर इंसिपियंट आईज हम कह सकते हैं ओके अनऑर्गेनाइज आइज बोलते हैं कि ये इन सेल्स में एल्घे में आई स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं जो एज अ आई फंक्शन करते हैं हमारी जैसी आइज़ होती है उस टाइप से ये आइस की तरफ फंक्शन करते हैं इट इनमें फोटोसेंसिटिव लेंस रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कॉलोनी को जो ऑर्गेनिज्म जो को लाइट, के कराते हैं। okay? तो लाइट को रिसेप्ट कर सकता है ओके लाइट रिसेप्टर्स जो होते, है, वो होते हैं वो कलरलेस और बाई कॉन्वेक्स होते पिगमेंटेड प्लेट भी इनमें प्रेजेंट होती है किसमें आई स्पॉट में कॉव्ड और पिगमेंटेड प्लेट जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट हो वो भी प्लेट प्रेजेंट होती है द आई स्पॉट इनेबल द कॉलोनी कॉलोनी टू स्विम टूवर्ड्स लाइट और ये जो आई स्पॉट्स होती है वो क्या उनका फंक्शन क्या होता है कि लाइट के टूवर्ड्स कॉलोनी का मूवमेंट कराना दैट इज स्विम कराना ओके, नेक्स्ट पॉइंट द मैसिव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट हैज ए सिंगल पेरेनॉइड मेड अप ऑफ सेंट्रल प्रोटीन कोर एंड द पेरिफेरल स्टार्च प्लेट्स। ओके तो इसमें देन सेल में एक मैसिव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है जिसके अंदर एक सिंगल पिरेनॉइड है कुछ ऑर्गेनिजम्स कुछ एलगे में पीरीनॉयड बहुत ज्यादा होते हैं कुछ एलगे में ओके एल्गे में, में, में प्रेजेंट होते हैं पीरीनॉइड्स तो पीरीनॉइड्स कुछ में बहुत सारे भी होते हैं बट वॉल्वर्स के सेल में सिंगल पीरीनॉइड प्रेजेंट होता है ये क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है ओके तो कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में सिंगल पिरीनॉइड भी पीरिनॉइड प्रेजेंट होता है और सिंगल पेरिनोइड किससे बना हुआ होता है किससे फॉर्मड होता है तो ये तो हम जानते हैं कि सिंगल पेरिनोइड जो है वो कुछ नहीं होता एक प्रोटीन कोर होता है सेंट्रल में सेंट्रल प्रोटीन कोर और उसके सराउंडिंग चारों तरफ पेरिफेरल स्टार्च प्लेट्स प्रेजेंट होती है ओके प्रीवियस वीडियोज में मैंने आई स्पॉट्स भी बहुत अच्छे से उसका डायग्राम विद डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस वीडियोज को जरूर वॉच करना ओके सो मैसिव कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसमें सिंगल पेरिनोइड होता है जो प्रोटीन कोर और पेरिफेरल स्टार्च प्लेट से फॉर्म्ड होता है ओके देन नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट सेल्स ऑफ अ कॉलोनी आर वेजिटेटिव एंड ओनली अ फ्यू आर रिप्रोडक्टिव अब मोस्टली सेल्स होते हैं मतलब कॉलोनी कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं वॉलवॉक्स के सेल्स तो जितने भी मोस्टली जितने भी सेल्स होते हैं कॉलोनी के वो वेजिटेटिव ही होते हैं और कुछ ही होते हैं जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं ओके तो द रिप्रोडक्टिव सेल्स डू नॉट हैव फ्लैजिला जितने भी वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बट जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, और वो बहुत लार्ज होते हैं मीन्स रिलेटिवली लार्जर कंपैरिजन में वेजिटेटिव सेल से वो लार्ज होते हैं बड़े होते हैं ओके okay? सो so ये था हमारा पूरा वॉलवॉक्स, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे तो ये है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हम वॉलवॉक्स के सेल को किसमें माइक्रोस्कोप में अगर देखें तो हमें इस टाइप से सेल दिखता है ये है कॉलोनी वॉल इट मीनस ये जिलेटिना शीत है और यहाँ पे दूसरा वॉलवॉक्स का सेल होगा इधर थर्ड वॉलवॉक्स का सेल होगा इट इज अ सिंगल ओके देन दिस इज सेल वॉल आर आई ये आई पॉट प्रेजेंट है आई आइसपॉड जो फोटो रिसेप्टर्स हैं देन रिसेप्टीज आर गोल्जी बॉडीज गोल्जी अपेट क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है दीज आर स्टार्च ग्रेन्स स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है ग्रेन प्रेजेंट है जिनमें सेंटर में क्या होगा प्रोटीन कोर होगा और साइड साइड में चारों तरफ उसके सराउंडिंग्स स्टार्च की प्लेट्स होंगी ओके दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जिसमें सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन दिख रहा है हमें बहुत सारे तो ये है हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंगल सेल ऑफ द कॉलोनी दैट इज वॉलवॉक्स ये वॉलवॉक्स हमें देखा ओके हमने देखा सो फ्रेंड्स ये था हमारा थैल स्ट्रक्चर ऑफ वॉलॉक्स एंड प्लीज फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई अपलोड द रिप्रोडक्शन इन वॉल सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद माई चैनल एंड प्लीज फ्रेंड्स डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन वेन आई अपलोड न्यू वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक सो यू कैन कमेंट बिलो दिसमेंट In the section below, and I'll reply you immediately. Okay, friends, thank you. Bye.